फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त शुभी। आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं चैनल फिल्मी अड्डा पे। आज मैं लेके आई हूं आप लोगों के लिए 90 के दशक की एक्ट्रेस मुमताज की कहानी। तो चलिए बात करते हैं। मुमताज थी कभी राजेश खन्ना की सबसे शानदार हीरोइन, अब दिखती हैं ऐसी। 60 और 70 के दशक के एक्ट्रेस मुमताज और राजेश खन्ना की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। इस जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर रोटी, दो रास्ते, आपकी कसम, दुश्मन और सच्चा झूठा जैसी एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में दी थी। उस वक्त के लोग कहते हैं कि चुलबुली और नटखट अदाओं वाले मुमताज जब जब पर्दे पर आती तो दर्शक उनके कायल हो जाते थे। लेकिन कहा जाता है कि जब बुरा वक्त आता है तो सब तहस नहस कर डालता है। ऐसा ही कुछ हुआ था बॉलीवुड एक्ट्रेस मुमताज के साथ भी, क्योंकि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया और इसके बारे में उन्हें काफ़ी देर से पता चला। कीमोथेरेपी की वजह से मुमताज की हालत और भी खराब हो गई थी। उनके सारे बाल उड़ चुके थे, यहाँ तक कि उनकी पलकों और भौहों के बाल भी झड़ गए थे। ऐसी हालत में मुमताज को घर से निकलने में भी डर लगता था, मगर मुमताज ने हिम्मत नहीं हारी और इलाज कराकर इस बीमारी के ऊपर जीत हासिल करी। इस बारे में मुमताज बताती हैं कि सर पर एक भी बाल ना होने की वजह से उनके पति उनके लिए विक लेकर आते थे और इन्हें मजबूरन उस विक को पहनना पड़ता था। मुमताज कहती हैं कि उनको विक पहनना ज़रा भी पसंद नहीं था और वो उन्हें पहनना अवॉइड करती थी। फिर इसकी वजह वो स्कार्फ पहनती थी। अस्पताल में इलाज के दौरान हर वक्त उनके परिवार वाले उनके साथ रहते थे, लेकिन मुमताज ने अपनी हिम्मत कभी नहीं टूटने दी और ना ही अपने परिवार वालों की हिम्मत टूटने दी। मुमताज ने डट कर कैंसर का सामना किया। लंबे इलाज के बाद मुमताज ने कैंसर से लड़ाई जीत ली, लेकिन इस लड़ाई में जो उनका हाल हुआ उसका अंदाज़ा उनके सिवा शायद ही कोई लगा सकता है। अधिक दवाइयों की वजह से मुमताज का वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। एक ज़माने में जो मुमताज अपने स्लिम फिगर और खूबसूरत चेहरे के लिए जानी जाती थी, लेकिन बड़े वज़न के बाद उनको पहचानना मुश्किल हो गया। फिलहाल मुमताज मुंबई की माया नगरी से दूर लंदन में रह रही हैं। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी नए प्रोग्राम में नई पेशकश के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें चैनल फिल्मी अड्डा से, देखते रहें सारे वीडियोज़ ताकि आप भी रहें अपडेटेड। और अगर आपको ये वीडियो और मुमताज की ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।